दोस्तों अगर आप जादू टोना में सिद्धि और साधना में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे आज के इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धि बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बहुत काम की सिद्धि है बहुत सारे लोग मेरे पास में कमेंट करते हैं फोन भी करते हैं कि सर हमने कई गुरुओं को बनाया और उनके बताए अनुसार ही हमने कई सिद्धियाँ की लेकिन हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला तो दोस्तों आपको उनसे रिजल्ट नहीं मिला होगा मैं मानता हूँ या तो आपके करने में कोई दिक्कत हुई होगी या जिस गुरु ने आपको कोई विधि बताई है तो उनके बताने में कोई ना कोई कमियाँ जरूर रही होंगी अगर वहाँ से आपको रिजल्ट नहीं मिला है और आपके मन में ये विचार बन गया है कि ये जादू टोना कुछ नहीं होता है हमने बहुत सारे टोने के करके देख लिए और इनका कोई रिजल्ट नहीं आता है तो दोस्तों आप डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो मैं आज की इस वीडियो में आपको मशान को सिद्ध करने की उसको जागृत करने की एक बहुत ही आसान विधि बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके आप मरघट के मशान को बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं उसको जागृत कर सकते हैं और अपना मन चाह काम ले सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में आइकन दबा दें जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों देखिए किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप किसी अच्छे गुरु की तलाश करिए गुरु कैसा होना चाहिए एक बुजुर्गों की कहावत में एक बात आती है कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के गुरु कैसा होना चाहिए जिसको इन मामलों में संपूर्ण जानकारी हो अगर किसी ने आपको एक दो टोटका बता दिया और आपने उसको ही एक अच्छा गुरु समझ लिया तो उसके करने से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा आप कम से कम पचास लोगों से मिलिए और पचास लोगों में जो आपको सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन देने वाला लग रहा हो आप उसे चुनिए पहले आप मिलिए घूमिए तलाशिए क्योंकि अचानक से कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए पहले उसके ज्ञान के बारे में जानकारी करनी चाहिए कि इसको इसके बारे में कितना ज्ञान है उसके बाद ही उसे गुरु बनाएं तब आप उससे शिक्षा लेंगे तो वो आपको कामयाब बनाएगी तो दोस्तों मैंने मशान को सिद्ध करने के लिए उसकी पूजा विधि उसका जो भी विधि विधान होता है उसके बारे में सबसे पहले मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तो मैंने इंटरनेट पर भी देखा यूट्यूब पर भी सर्च किया तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार वो विधि बताई है लेकिन दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में आपको कोई भी इंटरनेट की नहीं कोई भी किताबों की नहीं कोई भी शास्त्र की नहीं मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों देखिए डॉक्टर की पढ़ाई करने से ही डॉक्टर नहीं बना जाता उसके बारे में एक्सपीरियंस वाल होना भी बहुत ज़रूरी है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है और क्या जाना है तो मसान को सिद्ध करने के लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं यह इतना बेस्ट तरीका है कि इसको करने से न तो आपको कोई नुकसान होगा अगर आप उसकी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते तो वो आपके सारे काम अवश्य करेगा और अगर सिद्ध कर लिया तो, तो बात ही अलग है फिर तो ही चमक जाएगी तो दोस्तों आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट न करते हुए मैं आपको मशान को सिद्ध करने की उसको जागृत करने की और उससे काम लेने की संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और इसके बारे में समझते रहें देखिए दोस्तों मशान को सिद्ध करने के लिए उसको जागृत करने के लिए आपको यूट्यूब पर हजारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे और उसमें तमाम तांत्रिकों के मत के अनुसार अलग अलग विधि देखने को मिलेगी कोई बताता है कि रात्रि के 12 बजे जाकर के शमशान में हवन करिए कोई बोलता है तमाम सामग्री इकट्ठा करके आप ये काम करिए मशान सिद्ध हो जाएगा आपका सारा काम करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको केवल अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूं आप किसी भी शनिवार के दिन एक सिगरेट और एक चौमुखा दीपक सरसों के तेल का सूर्यास्त होने के बाद किसी भी शमशान में जाकर के आप रख दें पहले चौमुखा दीपक जलाएं और जलाने के बाद में सिगरेट भी जला करके उसके पास में रख दें और वहीं बैठ करके आपको रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का 108 बार जाप करना है मंत्र है ओम छम छम मशान जागृतम सिद्ध होम फट स्वा। ओम छम छम मशान जागृतम सिद्ध होम फट स्वा। और यह आप नियम बना ले जरूरी नहीं आपको कि रात्रि के 12 बजे ही शमशान में जाना है या आपको 10 बजे के बाद ही जाना है आप सूर्यास्त होने के बाद में अभी सर्दियों का मौसम है इस समय पर पाँच बजे साढ़े पाँच बजे सूर्यास्त हो जाता है यानी अंधेरा होने लगता है अंधेरा होते ही आप शमशान में जाकर के इस क्रिया को करें गर्मियों के मौसम में थोड़ा टाइम बढ़ जाता है कभी सात है तो कभी साढ़े सात है तब जाकर के दिन छुपता है सूर्यास्त होता है तो आप सूर्यास्त होने के बाद में आप अपनी ये दिनचर्या बना लें कि हमको ये कार्य प्रतिदिन करना है किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके आप लगातार इकतालीस दिन एक सिगरेट जला के और एक चौमुखा दीपक सरसों के तिल का जला करके और किसी भी शमशान में आप जा करके रख दें चाहे वो अपने नियर बाई में हो चाहे कहीं दूर हो और इस मंत्र को आप जाप करें तो दोस्तों इकतालीस दिन के अंदर ही मरगट का मशान सिद्ध हो जाता है और वो जागृत होकर आपकी हर इच्छा को पूरी करता है आप जो चाहेंगे अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो आपके शत्रुओं का निपटारा करेगा अगर आप धन पैसा के लिए परेशान हैं तो आपकी वो भी सेवा करेगा और भी आपकी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर देता है तो दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस तरीके से आप मसान को सिद्ध कर सकते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार